गुड मॉर्निंग एवरीवन, इट्स अनिंदिता एंड वेलकम टू माय सेकंड व्लॉग। आई होप आप लोगों ने मेरी पहली व्लॉग देख ली है, अगर नहीं तो प्लीज़ जाके देखें। इट्स 4 AM एंड हम ऑलरेडी बिहार एंटर कर चुके हैं। अभी ये जो आप देख रहे हैं ये है मखाने की खेती। अब आप जानते हो कि मखाना इज़ वेरी गुड फॉर आवर हेल्थ। एवरी वन मस्ट इंक्लूड दिस इन योर डाइट। 2 to 3 हैंडफुल ऑफ मखाना इज इनफ फॉर अ डे। नाउ दिस इज कोसी नदी। कोसी नदी या कोशी नदी नेपाल में हिमालय से निकलती है और बिहार में भीमनगर के रास्ते से भारत प्रज्वल में दाखिल होती है। इसमें आने वाली बाढ़ से बिहार में बहुत तबाही होती है, जिससे इस नदी को बिहार का अभिशाप भी कहा जाता है। सब अपने अपने काम पे लगे हैं और ये हैं मेरे पापा, सबसे घुल मिल जाते हैं। और यहाँ पे मैं इनके बातें सुन रही थी, काफी इंटरेस्टिंग थी वैसे। 12:40 हो गए थे और हम पहुंच गए राजेंद्र नगर स्टेशन पे। यहाँ से हमें फिर पटना स्टेशन जानी पड़ेगी, वहां से फिर गया की ट्रेन पकड़नी होगी। पटना से 3 घंटे का सफ़र से फाइनली हम पहुंच चुके थे गया, और स्टेशन से निकल के थोड़ा आगे आपको दिखेगा भारत सेवाश्रम संघ का ऑफिस। यहां से आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है और यहां से ही आपको आश्रम का ऑटो भी मिल जाता है। वैसे मैं एक और चीज़ ऐड करनी भूल गई, आप ऑफिस पे नहीं जाके डायरेक्ट भी आ सकते हैं। सो ये है भारत सेवाश्रम, ये काफ़ी बड़ी है और काफ़ी सुंदर भी है। आपको यहाँ पे एसी नॉन एसी दोनों रूम्स मिल जाएंगे। हम यहाँ ठहरे थे 2 दिनों के लिए। काफ़ी हरियाली भी है, चारों तरफ बहुत शांति का माहौल है, सब बहुत अच्छा था। पर आई सजेस्ट जो गर्म नहीं सहन कर पाते अब विंटर में आए। मैं आपको बस एक ओवरऑल व्यू दे रही हूँ क्योंकि ये काफ़ी बड़ी है, सो मैं फुल कवर कर भी नहीं पाई एक्चुअली। वैसे काफ़ी गर्म भी थी तो ना रूम में बैठी थी, निकलने का भी मन नहीं किया। एज आई टोल्ड यू काफ़ी हरियाली है, एक अलग सुकून का माहौल है यहाँ पे। एंड दैट्स ऑल फॉर नाउ, बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।